जंगल में शेर एक ही होता है। मोदी सरकार है, मोदी की तुलना आप शेर से कर रहे हैं। बब्बर शेर क्यों नहीं है, शेर ही हो आप, कुत्ते भोगते रहे, कुत्ते कुछ नहीं होता। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इरफान। अच्छा इरफान साहब, चुनाव है लोकसभा का, 26 अप्रैल को मेरठ में चुनाव है, वोटिंग होनी है, किसका माहौल है इस दफा? बीजेपी का। बीजेपी का क्या वजह है? लगातार 10 साल से तो मोदी जी सत्ता में काबिज है। सरकार काम कर रही बढ़िया। क्या काम किया जरा काम गिनवा दीजिए। कर रहे हैं, बदमाशी खत्म करी है, बहुत काम कर रहे हैं सरकार ने, क्यों नहीं कर रही भाई? बदमाशी तो बिल्कुल खत्म कर, जीरो कर दी, गुंडा कर दी, देखो रोड कैसे कैसे बना दिए। यानी कि आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था जो है मोदी सरकार ने वो सुधार दी? बिल्कुल सुधार है, बढ़िया कर। लेकिन विपक्ष की तरफ से तो ये आरोप लगाया जाता है ना, ये तो विपक्ष से तो भोगते रहेंगे ना, भोगने दो। नहीं नहीं, एक बात बताइए, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है। हिंदू मुस्लिम कौन सा मुसलमान को मरवा दिया ना, बीजेपी ने एक को भी नहीं मरवा, ये कोई बात है? ये तो सुनो, राजनीति होती है भाई, मैं एक को बुरा कहूँ, एक को अच्छा कहूँगा। बीजेपी एक बताओ, मैं मुसलमान हूँ, एक को किसे मरवाऊँ मुसलमान को? मैं कारोबार नहीं कर रहा, खूब कर रहा हूँ, मौज है, क्या बुराई है? राहुल गांधी तो कहते हैं अमीरों की सरकार है, गरीबों के लिए काम नहीं करती। सबसे ज्यादा इन्होंने मुसलमानों को मरवा रहा, राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी ने, वो तो गांधी परिवार तो कहते हैं कि हम मुस्लिम समाज के लिए काम करते हैं। अरे बड़े भाई, सबसे ज्यादा इसी सरकार में मुसलमान कटे हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो? अखिलेश यादव, हमें पता नहीं अखिलेश, बस मोदी को जाने, मोदी योगी को। अखिलेश तो कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए मैं काम करता हूँ, मोदी तो मुस्लिम विरोधी है। अरे यार, इसी के राज में गुंडे सारे थे अखिलेश की सरकार में, अब कौन सा गुंडा है? अब बताओ कौन सा गुंडा, कौन से पैसे लूट रहा है, कोई बलात्कार हो रहा है, क्या हो रहा? क्या नाम है सर आपका? मैं नहीं करूँगा। नाम तो बताइए। शहीद, शहीद। नाम बताइए। शहीद अहमद। अच्छा शहीद भाई, चुनाव है, किसका माहौल है चुनावों में? बीजेपी का आदमी है साहब। बीजेपी का माहौल। अच्छा कोई भी सरकार हो, लगातार सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी का माहौल है, क्या वजह है? ये काम अच्छा किया इसने जो है, सारे रोड बदमाशी खत्म कर दी, रोड अच्छे बना दिए, मेट्रो ट्रेन यहाँ तक आ गई, और इससे अलावा पब्लिक को क्या चाहिए? लेकिन ये जो विपक्ष है, ये तो एक हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, इंडिया गठबंधन बना लिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो चलता रहेगा जब तक बीजेपी की सरकार है, जब तक ये तो चलता रहेगा, विपक्ष तो टूटता रहेगा। जंगल में शेर एक ही होता है, मोदी सरकार है। मोदी की तुलना आप शेर से कर रहे हैं? बब्बर शेर क्यों नहीं है, शेर ही हो आप, कुत्ते भोगते रहे, कुत्ते कुछ नहीं होता, सब बेकार। आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी? बेकार नेता है, बेकार नेता, बेकार नेता। वो तो कह रहे हैं जनता के लिए काम करेंगे, मदारी है, मदारी कुछ नहीं। सुन, मोदी है ना, बब्बर शेर है, शेर है। अंकल जी आपका? राधेश्याम। अच्छा राधेश्याम जी, 24 का लोकसभा चुनाव है, 26 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होनी है मेरठ में, किसका माहौल है चुनावों में? बीजेपी का। बीजेपी का, लगातार 10 साल से बीजेपी सत्ता में काबिज है, उसके बाद भी बीजेपी के माहौल की बात, क्या वजह है? काम अच्छे कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, 370 हटवाया अपना, ये अयोध्या में मतलब राम मंदिर बनवाया, और बीजेपी के का मतलब बाहर अच्छा माहौल है। देखिए अभी आपने राम मंदिर की बात की है ना, विपक्ष जो है राहुल गांधी जो है आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने के लिए राम मंदिर बनवाई है वोट पाने के लिए, है क्या ऐसा? गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने खुद मतलब वो खुद नहीं आए, मतलब उन्होंने बुलवाया तो वो आए नहीं। अभी आपने बोला ना, आए, बुलाया गया लेकिन आए नहीं, वही अखिलेश यादव जो है कुछ ही दिन पहले की तस्वीरें आई थी, मुख्तार अंसारी की कब्र पर पहुंच गए थे, बीजेपी ने सवाल उठाया कब्र पर जाएंगे लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे, इसको जनता कैसे देखती है? जनता को देखना चाहिए, मतलब एक मोमडस आदमी जो क्रिमिनल था उसके पर जो वो पहुंचे वहां पर उसकी कब्र पर चढ़ाने के लिए फूल, और राम मंदिर में पूजा करने नहीं आए, ठीक है ना, पूजा करने नहीं आए राम मंदिर में। अच्छा राहुल गांधी को आप कैसे देखती है जनता? राहुल गांधी कुछ नहीं, ये अपना मतलब खामोखा बोलता है, वो उल्टा सीधा बोल रहा है, वो गलत बोलता है। अच्छा अभी आपने कहा ना उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, इसी कड़ी में राहुल गांधी का एक बयान आया था, जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है, ऐसा है क्या? ऐसा आप खुद सोचिए समझिए, खुद पढ़े लिखे हो समझदार हो, जो राम का नाम लेगा, राम का नाम लेके तो आदमी मर जाता है, मर के भी राम का ही नाम लेता है। आपने रावण तो देखी होगी, रामायण देखी होगी, राम ने मतलब रावण ने भी आखिरी में नाम उसका ही लिया राम का, राम का नाम लेकर के मतलब आदमी भूखा कोई नहीं मरता। अच्छा लगातार 10 साल कांग्रेस सत्ता से दूर है, उसके बाद भी जनता कांग्रेस अब जो वादे कर रही है उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही है। नहीं होगा विश्वास, कुछ कर ही नहीं रही वो, कुछ नहीं कर रही है। अच्छा देखिए आपने तो मनमोहन सरकार भी देखी होगी और मोदी सरकार भी देखी है, क्या फर्क है दोनों सरकारों में?
ने सरकारों में बहुत फ़र्क है। मोदी जो है मतलब एक तो जो है जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे मतलब वो मतलब अपने आदमियों को छुटा के ला रहे हैं, जो वहाँ पे मतलब वो उसमें कुवैत में वगैरह झगड़ा हुआ तो आदमी 7 आदमियों को लेकर आए। अच्छा एक बात बताइए, कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश के अंदर? बढ़िया, अच्छी कानून व्यवस्था है। कहा जाता है 2017 से पहले तो बहुत ज़्यादा दंगे होते थे और अब दंगे नहीं होते। नहीं हो रहे। पहले कैसा था? पहले तो दंगे होते थे, हो रहे थे, अब नहीं हो रहे, यही बात है ना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोपीनाथ है। अच्छा ये बताइए, चुनाव है, आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, किसका माहौल है इस चुनावों में? ये जिसका एडवर्टाइज हो रहा है उसी का ही हो रहा है, या बीजेपी का ही हो रहा है? बीजेपी का। अच्छा जगह जगह हम बात करते हैं, 10 साल हो गए सरकार चलाते हुए मोदी जी को, उसके बाद भी बीजेपी का क्रेज लोगों में ख़त्म नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, उसकी क्या वजह है? बीजेपी की सत्ता में बार बार आने की क्या वजह है, जरा हमें ये बताइए। कौन सा दू भैया? भैया जो ऐसा है, जिधर हवा चलती है पब्लिक उधर ही जाती है, जिधर हवा चलती है पब्लिक उधर ही जाती है ना। राहुल गांधी को जनता कैसे देखती है? ये तो सभी लोग ठीक हैं, अपनी अपनी सीट पे बैठ के सभी लोग सीट ठीक हैं। राहुल गांधी अपनी सीट पे जब बैठेगा वो भी ठीक होगा, वो भी सही काम करेगा, ये भी सही काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया था। 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, जब ये आजकल देश का इम्प्रूवमेंट बहुत है, ये मेट्रो ये सब ये चल रही हैं, नए नए कानून हैं, और ये पेटीएम का चक्कर हो गया, ये सब नए नए हैं। क्या नाम है सर आपका? राहुल नाम है। अच्छा राहुल भाई, चुनाव है, किसका माहौल है चुनावों में? बीजेपी। बीजेपी का। क्या काम कर दिया मोदी जी ने, 10 साल से सरकार चला रहे हैं, उसके बाद भी मोदी बीजेपी की सरकार का अनुमान लोग बता रहे हैं, क्या वजह? भैया देखो, जहाँ तक सुनने में आ रहा है 400 पार कह रहे हैं, लेकिन 400 तो नहीं मिलेगी, यह है 350 इतनी मिल जाएगी। देखिए 10 साल सरकार चलाने के बाद जब बात सवाल ये आता कि आएंगे या चले जाएंगे, उसके बाद भी सवाल ये पूछा जा रहा है कि 400 पार होगा या नहीं होगा, उसकी वजह क्या है? 400 पार के चांस तो भाई थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ यह है 350 सीट तो पक्का है। एक बार फिर से मोदी की लहर चलने वाली, आप ये कह रहे हैं? भाई मोदी की लहर। आपका नाम तो राहुल है, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? यार तो ठीक है, बस वो भी सही है भाई देखो। लेकिन राहुल गांधी का ना एक बयान आया था, जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है, उसके बयान को आप कैसे देखते? पता है मैं, राम के नाम पे जो भूखा कैसे मरेगा, राम के नाम पे तो कोई भूखा मरेगा ही नहीं, उसका नाम लेके दुनिया में पैदा होते हैं, दुनिया उसके नाम पे काम कर रही है। अब राम का नाम लेना कोई जुलम तो नहीं है, उनको गलत लग रहा है राहुल को, तो उन्होंने बयान दे दिया। विपक्षी गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है, वो कामयाब होता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है चुनावों में? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, इनमें आपस में ही फूट है, आपस में फूट जाता है। टूट फूट की सरकार क्या करेगी, बना ली उन्होंने सरकार, पतला साल बच चली, एक ना एक तो पंगा डालेगा। यानी कि आप कह रहे हैं बहुमत की सरकार चाहिए हमें, टूट फूट वाली सरकार नहीं चाहिए? बहुमत की सरकार तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस को मिल जाए 300 सीट, कौन क्या प्रॉब्लम है? अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष जो है राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, है क्या ऐसा? नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, देखो सब जने मिलजुल के रह रहे हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो अमीरों की सरकार है, गरीबों के लिए काम नहीं करती। सड़क बन रही है या मेट्रो बन रही है, इसमें क्या अमीर चलेगा गरीब नहीं आएगा, या रोड पे कोई चलेगा अमीर भी चलेगा गरीब भी चलेगा भाई, तो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। आप भाई साहब से बात कर लो, फाइनल बताइए 4 जून को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी, मोदी बनेगा भाई। और राहुल गांधी के बारे में बताइए आप मुझे। नहीं बनेगा राहुल गांधी, नहीं बनेगा, वोट ज्यादा मिलेगी वही तो जीतेगा। लेकिन राहुल गांधी के बारे में बताइए ना, वो तो यात्रा निकाल रहे थे, उसको ज्यादा वोट मिल गई तो वही प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई भी बन जाएगा, जो जीतेगा वही बनेगा, है क्या ऐसा? नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं बन पाएगा मुझे इसका वजह बताइए बस।
थोड़ा स्टेटस ही गलत है उनका, उनका स्टेटस ही गलत है, बोलने का ढंग ही नहीं है उनको तो। अच्छा, वो जनता से सीधा कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? अब ये तो खैर जनता के बीच में आ ही नहीं रहे, वो आ नहीं रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।